प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियो फॉर यू। वेलकम स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की एक और प्रॉब्लम को। लास्ट टाइम हमने सॉल्व की थी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की प्रॉब्लम, बट उससे पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम एक और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑटोकैड पर डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कुछ इनिशियल सेटिंग करनी होती हैं, जैसे कि लेयर्स की सेटिंग्स, डायमेंशन की सेटिंग्स और यूनिट की सेटिंग्स। वो सेटिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां पर जाकर आप वो सारी सेटिंग्स सीख सकते हैं। इसके अलावा जब हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो हम इस तरीके का एक बॉर्डर तैयार करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि हमने बॉर्डर बनाया है और इसके अंदर ही हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये बॉर्डर हम इसलिए बनाते हैं कि जब आप प्रिंटआउट निकालोगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मेंशन हो जाएंगी। बट अब हमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में। तो उसके लिए हमें ये ब्रैकेट, जो ये पूरा बॉक्स है, ये हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। लेकिन ऑटोकैड में ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ब्रैकेट सेलेक्ट करना है, ये वाला ब्रैकेट और इसके अलावा ये वाला ब्रैकेट, ये पूरा सेलेक्ट हो गया है। और इसके बाद आप कॉपी पर क्लिक करेंगे, आपको इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और इसको मूव करकर यहाँ पर रख देंगे, तो ये ब्रैकेट आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है। आपको इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से बनता है ब्रैकेट, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो जो आंसर है ये पहले हमें शीट पर ड्रॉ करना होता है। अगर आपको ये आंसर ड्रॉ करना नहीं आता कि किस तरीके से ये ड्रॉ होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दीजिएगा कि हाँ आपको सीखना है कि ये किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो चलिए अब इसको ऑटोकैड पर ड्रॉ करना सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको ऑटोकैड पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी होगी, जिसको हम एक्स वाई लाइन बोलते हैं। तो हमने यहाँ प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक किया, देन लाइन पर क्लिक किया, उसके बाद एक बार यहाँ क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ क्लिक करेंगे। तो ये हो गई हमारी लाइन, रेफरेंस लाइन। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, सपोज ये हमारा एक्स है और इस पॉइंट पर हमारा यहाँ पर वाई है। ये थोड़ा ऊपर हो गया है, आप इसको क्लिक करने के बाद मूव कर वापस से इसको नीचे ले जाकर रख सकते हैं, लाइक हियर। तो जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि ड्रॉ ऑल द थ्री व्यूज ऑफ ए पॉइंट पी लेइंग 60 mm बिलो एच पी, 70 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो जो पॉइंट है वो 60 mm बिलो एच पी है और 70 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है, यानी कि जो हमारा पॉइंट है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बट इसके अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 mm फ्रॉम RPP। जब भी आपको RPP दिया होगा, यानी कि राइट प्रोफाइल प्लेन से उसकी डिस्टेंस दी हुई है, इसका मतलब वो लेफ्ट में ड्रॉ होगा। तो ये है हमारी एक्स वाई लाइन, जो कि हमारी रेफरेंस लाइन कहलाती है। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन से या फिर राइट प्रोफाइल प्लेन से डिस्टेंस दी होगी, तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे उस प्लेन को शो करेगी, जो कि हमारा RPP या LPP प्लेन को शो करेगी। तो हम यहाँ पर एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारे राइट प्रोफाइल प्लेन को शो करेगी। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन का नाम होता है X1, Y1। इसकी नेमिंग हम बाद में कर लेंगे, अभी फिलहाल हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है उसमें उसने दिया हुआ है कि RPP से जो डिस्टेंस है वो है हमारी 40 mm। तो मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर पर, इसलिए मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से लेफ्ट की डायरेक्शन में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा 40 mm की, उसके बाद मैं नीचे की डायरेक्शन में उन पॉइंट के व्यूज़ को ड्रॉ करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसके सेंटर पर, इस डायरेक्शन में कर्सर को मूव करूँगा, 40 एंटर करने के बाद ये मेरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बट ये आपको दिखेगी नहीं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक, बट ये अभी आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये ओवरलैप कर गई है हमारी रेफरेंस लाइन पर। तो अब मैं नीचे की डायरेक्शन में कर्सर को सिर्फ मूव करूँगा और यहाँ पर लिखूंगा 70 और एंटर कर दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में हमारा जो टॉप व्यू है वो 70 mm की डिस्टेंस पर है। तो ये हमारा 70 mm की डिस्टेंस आ गई है। इसको मेजर करने के लिए मैं यहाँ पर ए के साइड में ये जो बड़ा सा ए लिखा हुआ है, इसके साइड में हमारा मेजरिंग टूल होता है लीनियर मेजरमेंट के लिए, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा, देन यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 70 mm। इसके बाद इसी डायरेक्शन में हमारा 60 mm की डिस्टेंस पर हमारा फ्रंट व्यू आएगा,
जैसे कि आप आंसर में देख पा रहे होंगे। तो अगेन वापस से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन को क्लिक करने के बाद मैं यहां पर क्लिक करूंगा, देन नीचे की डायरेक्शन में मैं कर्सर को मूव करूंगा, 60 लिखने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। तो ये हमारी एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगी, बट ये अभी आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि जो 60 mm की लाइन है वो 70 mm लाइन के ऊपर ड्रॉ हुई है, यानी वो ओवरलैप कर गए हैं। बट जब आप मेजरिंग टूल पर क्लिक करोगे, एक बार यहां क्लिक करोगे, उसके बाद नीचे की तरफ मूव करोगे, तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया है 60 mm की लाइन का। इसके बाद अगेन आप थोड़ा मूव करोगे तो ये एक और मिड पॉइंट आ गया है, ये मिड पॉइंट है हमारी 70 mm की लाइन का। इसके बाद जब आप वापस से आगे की तरफ और मूव करोगे तो ये देखिएगा यहाँ पर आइकन चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया, स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। इससे पीछे की साइड हमारा जो है वो अलग शेप का था, बट जैसे ही हम नीचे की ओर मूव करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर शेप में आ जाएगा, यानी कि हम एंड पॉइंट पर आ चुके हैं, जो हमने 60 mm की लाइन ड्रॉ की थी उसके एंड पॉइंट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बार आप क्लिक करोगे तो ये डायमेंशन 60 mm की आपको शो हो जाएगी। तो ये आ गया यहाँ पर आपका P डैश और यहाँ पर आ जाता है आपका P। चलिए इसकी अब नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करने के लिए वापस से मैं ऑब्जेक्ट लाइन का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा P डैश, ये हमारा यहाँ पर P डैश है। अगेन मैं वापस से टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा P। ओके, तो ये हमारा P डैश है, यानी यहाँ पर हमारा P डैश होगा और यहाँ पर हमारा P होगा, जैसे कि आप आंसर में देख पा रहे हो। अब जैसे कि आपने जब इस क्वेश्चन को ED शीट पर ड्रॉ किया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ से हम एक 45 की लाइन ड्रॉ करते थे जो इस डायरेक्शन में जाती थी, उसके बाद टॉप व्यू से हम एक लाइन ड्रॉ करते थे और फिर फ्रंट व्यू की और हम एक लाइन ड्रॉ करते थे। तो चलिए वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन वापस से मैं प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करूंगा, लाइन पर क्लिक करूंगा, इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक करने के बाद मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा। आप देख पा रहे होंगे जो मेरी लाइन है वो सिर्फ हॉरिजेंटल जा रही है, और अगर मैं और नीचे मूव करता हूं इस डायरेक्शन में तो वो अगेन वर्टिकल जा रही है डाउनवर्ड, बट मुझे डायगोनली इस डायरेक्शन में लेकर आनी है। ये इस डायरेक्शन में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपने F8 कमांड यानी ऑर्थो कमांड को एक्टिवेट किया हुआ है, जिसकी वजह से आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या तो हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल। इस कमांड को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको F8 दबाना होता है। जैसे ही आप F8 बटन को प्रेस करेंगे तो ये डायगनली ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि अभी देख पा रहे होंगे कि आप उसको अब किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगेन अगर मैं वापस से F8 प्रेस करता हूं, जैसे कि अभी मैं F8 को प्रेस करूंगा, तो ये लाइन यहां से हट जाएगी लाइक दिस। अब ये सिर्फ या तो हॉरिजेंटल ड्रॉ हो सकती है या फिर वर्टिकल ड्रॉ हो सकती है, बट मुझे जो ड्रॉ करनी है वो डायगनली डायरेक्शन में है, तो मैं F8 को प्रेस करूंगा इस कमांड को डीएक्टिवेट करने के लिए। तो ये अब इस डायरेक्शन में आ सकती है। हमें लेंथ नहीं मालूम कि वो जो पॉइंट जो लाइन हमारी यहाँ से आएगी, इस जगह से, इस P पॉइंट से आएगी सीधा स्ट्रेट, वो कहाँ कट करेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लाइन को थोड़ा और नीचे तक रखते हैं और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो लाइन के ऑप्शन से हटकर एंगल वाले ऑप्शन पर चला जाएगा। यहाँ पर हम 45 लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो लाइन वहां तक की हमारी ड्रॉ हो जाएगी। अब हमें फर्दर लाइन कोई नहीं ड्रॉ करनी, तो हम एस्केप प्रेस कर देंगे ताकि हमारी लाइन कमांड डीएक्टिवेट हो जाए। अगेन वापस से अब हम लाइन कमांड पर क्लिक करेंगे और इस पी पॉइंट पर क्लिक करेंगे। पी पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि लाइन हमारी थोड़ा इंक्लाइन भी ड्रॉ हो सकती है, बट हमें जो ड्रॉ करनी है वो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसलिए हम F8 दबाएंगे ताकि हमारी लाइन को ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इसे थोड़ा सा आगे तक ड्रॉ करेंगे। वैसे तो हमें इस पॉइंट तक ही ड्रॉ करनी थी यहाँ तक, बट जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे आंसर में प्रॉब्लम आ सकती है। हम इसको थोड़ा सा आगे तक ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद अगेन हम लाइन पर क्लिक करेंगे, देन अब हम ऊपर की डायरेक्शन में एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक। ये यहाँ तक हमने सिर्फ इसलिए ड्रॉ की क्योंकि एक लाइन हमें यहाँ से ड्रॉ करनी है जो इस लाइन को यहाँ पर कट करेगी, वहां पर हमें P" मिल जाएगा, इसीलिए हमने इसको ज्यादा ऊपर तक ड्रॉ नहीं किया। तो अगेन हम वापस से लाइन पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे जहां पर हमारा P' है, यहां से हम स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे यहां तक, थोड़ा आगे तक लेके जाएंगे और फिर स्केप प्रेस कर देंगे ताकि लाइन कमांड डीएक्टिवेट हो जाए। तो ये जो पॉइंट है यहां पर, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कहलाता है P". चलिए इसको हम नेमिंग कर लेते हैं यहीं पर। तो अगेन ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर इसकी नेमिंग कर देता हूं, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा P". इसके बाद ये जो लाइन हमारी यहाँ पर
एक्स्ट्रा ड्रॉ हो रखी हैं, इनको हम ट्रिम कर देते हैं। तो ट्रिम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम टाइप करेंगे TRIM और उसके बाद दो बार एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम उस लाइन पर क्लिक करेंगे जिसको हमें ट्रिम करना है वन बाय वन कर, तो ये सारी लाइनें हमारी ट्रिम हो जाएंगी। तो जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन थी वो हमारी यहाँ पर ट्रिम हो चुकी है। चलिए अब हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं जो कि हमारा एक्चुअल आंसर है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ लाइन ड्रॉ की है जो कि प्रोजेक्शन लाइन से है, यानी कि जो थिन लाइन होती है उसी से ड्रॉ किया है। अब हम ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम डोनट टाइप करेंगे, DONUT डोनट। डोनट आप टाइप जैसे करेंगे DONUT, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो आपसे इनसाइड डायमीटर पूछेगा, तो आप उसे लिखेंगे 0.1, एंटर कर देंगे। इसके बाद वो आउटर डायमीटर पूछेगा, आप अगेन वापस से एंटर कर देंगे। उसके बाद जहां जहां पर आपका पॉइंट आया है, यानी कि जहां पर P' है, एक बार यहां क्लिक, जहां पर P' है एक बार यहां पर क्लिक कर देंगे, एक बार P पर क्लिक कर देंगे, एक बार यहां पर जहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पर हमारा P" है। तो ये हमारा पॉइंट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ड्रॉ हो गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये जो हमारी लाइन थी ये था हमारा X1 और जो नीचे की साइड जो ये लाइन थी यहाँ पर ये हमारी थी Y1। तो ये हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम ड्रॉ हो चुकी है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की सेकेंड प्रॉब्लम, जो कि क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर शो किया था, ये उसका आंसर है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको ED शीट पर कैसे ड्रॉ करते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका प्रिंट आउट अगर आप निकालेंगे तो प्रिंट आउट किस तरीके से निकलेगा। प्रिंट आउट के लिए आपको Ctrl+P करना है। अगर आप Ctrl+P करने के बाद डायरेक्टली ओके पर प्रेस कर देंगे तो ये जो पूरी विंडो आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे ये पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी और जो आपका आंसर है वो सही से प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ही हम Ctrl+P करते हैं तो ये विंडो सामने आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले के ऑप्शन को चेंज कर देंगे विंडो में। तो विंडो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये विंडो वापस चली जाएगी और आपको सिलेक्ट करना होगा जितना पोर्शन आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये मैंने पोर्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, इतना पोर्शन मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो ये जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हो ये विंडो वापस से पॉपअप हो जाती है, क्योंकि उतना पोर्शन आपका सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप जहां पर ये नेम लिखा हुआ देख रहे होंगे यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन दिख जाएगा Drawing to PDF। Drawing to PDF सिलेक्ट करेंगे तो ये जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं और आप ओके पे प्रेस करके इसको डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं। हम इसको PDF में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि जब भी आपको कभी प्रिंट आउट निकालना होगा तो आप किसी भी शॉप पर जाकर उस PDF फाइल को ओपन कर प्रिंट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, बट अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी शॉप पर जाकर इस PDF फाइल को ओपन करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑटो कैड हर साइबर कैफे पर आपको नहीं मिल पाएगा, बट PDF फाइल आपकी किसी भी साइबर कैफे पर ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो ये कुछ इस तरीके का ड्रॉ होकर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे तो जो भी प्रोजेक्शन लाइन थी वो हमारी सियान कलर से है, बट जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है जो हमने व्हाइट कलर से ड्रॉ की थी वो हमारी यहाँ पर ब्लैक कलर से शो हो रही है। तो ये फायदा होता है कि जब हम ऑटो कैड पर ड्रॉ करते हैं व्हाइट कलर से वो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लैक कलर से यानी डार्क कलर से शो हो जाता है। आप ओके पर प्रेस करने के बाद आप इसको डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं जहां पर भी आप चाहें, तो वो PDF फाइल में आपका सेव हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का सेकेंड प्रॉब्लम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।